चल क्या रहा है? छोड़िए, चलते हैं अपन आगे। यहाँ कहीं बीच में ना एक फोटो मिसिंग है यार मेरी, क्या करें साले, तू सिखाएगा मेरे को क्या करें? मतलब नहीं, मेहमान आए मिलने के लिए, कोई हाय हेलो नहीं कुछ नहीं। सो हेलो गाइस और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जंगल सफारी का जू। पार्ट वन आपने देखा होगा तो मैं आपको जंगल सफारी घुमा के लाया हूँ। इस बार हम जा रहे हैं जू, तो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को अपन यहाँ से एंट्रेंस जू के लिए। तो यहाँ पे अपने को पहले टिकट शो करनी होगी। यहाँ से अपने को 200 मीटर आगे जाना है तो वाइट टाइगर और बंगाल टाइगर अपने को मिल जाएगा। तो देखते हैं 200 मीटर। और ये जा रहे हैं सफारी के लिए। इस धूप अभी ऊपर से इतनी है ना कि ये जो 200 मीटर जो मैं चल रहा हूँ ये भी मेरे को 200 किलोमीटर जैसा लग रहा है। आ ही नहीं रहा साले 200 मीटर पूरा ही नहीं हो रहा है। आगे पीछे मेरी फैमिलीज हैं और मेरे को मेरा सेटअप देख के ऐसे देख रहे जैसे मैं पता नहीं कौन से गोले से आया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सबको कैमरा फेस करने का आदत नहीं रहता है। भाई ऊपर कहाँ है, देख रहा है भाई। और कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं यहाँ पे, जंगल सफारी नया रायपुर। क्या क्या करें साले, तू सिखाएगा मेरे को क्या करें। और गाइस आसपास मेरी इतनी ग्रीनरी है ना कि मेरा फ़ोटो खिंचाने का बहुत मन हो रहा है, पर मैं किसी को अपने साथ लेके नहीं आया इस बार। कभी कभी कुछ डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, लेके आता तो शायद अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर पाता इंस्टाग्राम वगैरह के लिए। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, फटाफट फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे भी। हम वाइट टाइगर भैया जी के पास, तो यहाँ हमको दिखेंगे वाइट टाइगर। तो शायद मेरे को उस केव पे दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो केव है यहाँ पे ये वाइट टाइगर सोया है, काफ़ी दूर है और आराम से खराटे मार के सो रहे हैं यहाँ के सारे जानवर। तो कोई बात नहीं, आगे से देखते हैं अगर आप कोई व्यू देखने लायक हो पाता है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे लेटा है। फाइनली थोड़ा बहुत दिखा पा रहा हूँ, बाकी अब अपन आगे चलते हैं, कौन सा जानवर देखने को मिलेगा। हम सब हैं अलग अलग, वी ऑल आर डिफरेंट। लायन, फिर आता है टाइगर, फिर वाइट टाइगर, फिर लियोपैड। यहाँ कहीं बीच में ना एक फ़ोटो मिसिंग है यार मेरी, शायद भूल गए होंगे लगाना। कोई बात नहीं, चलते हैं अपन। यहाँ नो एंट्री है, जा भी नहीं रहा मैं। यहाँ कौन सा जानवर है, लायन, हमें देखने को मिलेगा लायन। और सामने है शेरनी, ये यहाँ पे देखिए चल रही है, एक ही है बस। ये यहाँ पे देखिए, एक ही पोर्शन पे ये बार बार चल रही है यहीं से ऐसे ऐसे। बढ़िया, यहाँ पे इस साइड में काफ़ी धूप है, वहाँ छाएं, वहीं आराम से मज़े कर रही है, वॉकिंग चल रही है शेरनी की। इसका शेर देखते हैं कहाँ है, आओ आगे चलें। और अब बारी है लियोपैड की, तो देखते हैं लियोपैड। ओ लियोपैड के में यहाँ पे कांच लगाए गए हैं क्योंकि काफ़ी नज़दीक है। और शायद मैं आप देख रहे होंगे लियोपैड ज़्यादा दूर नहीं है, ये बैठा है, ये देखिए यहाँ पे। थोड़ा सा और इधर उधर होके देखते हैं, ये देखिए यहाँ के जानवर काफ़ी सुस्त हैं, कोई चल फिर नहीं रहा, सब साले खा पी के लेटे हैं, कोई मतलब नहीं, मेहमान आए मिलने के लिए कोई हाय हेलो नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पे ये जो सिस्टम काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, काफ़ी बढ़िया बना है, यहाँ से ऐसे चढ़ के यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। अपनी तरफ से तो कैफेटेरिया में ही बैठा है वो, सही है, पूरी तरह से कांच लगा दिया है, आवाज़ उस साइड जाएगी नहीं। अब आ चुके हैं हम रॉयल बंगाल टाइगर, वेरी नाइस। कहाँ भैया जी, टाइगर भैया कैप्चर करना है आपको हमारे कैमरे में, कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को तो।
ये यहाँ पे जो बंगाल टाइगर सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, आएगा कि कोई इज्जत नहीं। हद है भाई, आराम से छाए में खाना पीना खा के दोपहर का सोया हुआ है। चलिए इनका ही सही है, सब सोए। लीजिए अब हम आ चुके हैं लकड़बग्गा के पास। ये पहला जानवर जो हमें चलता फिरता दिखाई दे रहा है, ये है लकड़बग्गा। ओह, अभी अभी यहाँ से पानी पिया है और जा रहा है, छाए साइड से जा रहा है। अब आराम से अभी अब सो जाएगा, धूप ही इतनी है यहाँ पे। ओह छोटू, सो जा सो जा। आगे हम सियार के पास, और ये देखिए ऊपर देख रहा है। ओए छोटे, अगर देख पा रहे होंगे ना तो ये जो है यहाँ पे लेटा है, सोए पड़े हैं, सुस्ती मार रहे हैं। खाना खाने को मिल गया होगा, बढ़िया लेटे हैं छाए में। सियार जी चलते हैं अब अपन आगे। मैं तो गाइस चल चल के ही थक चुका हूँ, अब बस जल्दी से जू ख़त्म हो जाए, बाहर चलते कुछ खाते हैं। अभी भी शायद एक दो और जानवर शायद मेरे को ऐसा लग रहा है बचे हैं देखने के लिए, और धूप सीधा मेरे पे ही पड़ रही है। और गाइस ये यहाँ पे काफ़ी सुंदर पार्क बना हुआ है, देखिए यहाँ बच्चे लोग के खेलने के लिए झूला वगैरह भी है, काफ़ी सही लग रहा है ये पार्क। पर दिक्कत ये है कि इसमें लगा हुआ है ताला, अंदर नहीं जा सकते अपन। चलिए कोई बात नहीं, अब आप देखेंगे नील गाय। देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे मतलब है भी कि नहीं, ये रहा सामने, ये देखिए नील गाय। थोड़ा जूम करता हूँ, एक दो बहुत सारी है। ये हैं सरकारी जानवर नील गाय, तो दिख नहीं है। और नील गाय के साथ दो तीन बंदर भी आप देख लीजिए। चलिए और आगे, एक और नया स्टेशन तैयार हो रहा है, कोई नया जानवर यहाँ पे रखेंगे। अभी पेंट वगैरह का काम चल रहा है इस पर। आगे ये भी अभी नया ही है, यहाँ पे अभी कोई जानवर नहीं आया है। और आगे चलते हैं अपन। तो अब हम आ चुके हैं काकड़ बार्किंग डियर। ये देखिए 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 सामने, दो जन है, दो जन चल क्या रहा है छोड़िए चलते हैं अपन आगे। अब हम आ चुके हैं ब्लैक बुक के पास, बोले तो काला हिरण भी बोल सकते हैं, बोल कह सकते हैं काला हिरण ही। और ये है यहाँ पे हिरण ही हिरण, और सेंटर में आपको दिख रहा हो काला हिरण, हमारे सलमान भैया जी का पार्टनर। काफ़ी सारे हिरण हैं यहाँ पे, देख ही सकते हैं आप। यहाँ पे बढ़िया इनके पानी पीने के लिए सेटलमेंट, काफ़ी अच्छी स्पेस भी दे रखी है, सही है। ओ यहाँ अपन को देखने मिलेगा हिप्पोपोटामस, तो देखते हैं देखने को मिलेगा अभी कि नहीं, होना तो चाहिए हिप्पोपोटामस। लीजिए भाई साहब, ये भी नहीं दिख रहे, शायद अपने केव में होंगे, इतनी धूप में बेचारा कहाँ बाहर घूमता फिरेगा। ओ शायद दिख रहा है मेरे को, ये भाई जनाब आराम से पानी में लेटे हैं, एक दो दो है। और ये आखिरी जानवर कछुआ, देखते हैं कछुआ भाई साहब कहाँ हैं। वो देखिए एक तो मेरे को दिखा है, ये यहाँ पे, फोकस फोकस, ये देखिए गाइस कछुआ मुंडी बाहर निकाला हुआ है अभी, और थोड़ा सा मुंडी ऊपर भी किया हुआ है। तो ये आ चुके हैं हम एग्जिट गेट में, तो मतलब यहाँ से जो जू है
वो ख़त्म हो जाता है फाइनली। और यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए काफ़ी सुंदर सा लेक, पानी देख के थोड़ा लालच सा रहा है। ये गाड़ी अब हमें लेके जाएगी मेन गेट तक। तो यहाँ पे गाइस बोट काफ़ी लोग जा रहे हैं, बट सीन ऐसा है कि ये रेड वाली जाएगी छोटी वाली, वाइट वाली तो नहीं जा रही है। छोटी वाली बैठने में उतना कुछ खास मज़ा तो नहीं है, आई एम जस्ट थिंकिंग जाऊँ कि नहीं, मेरा मन है वाइट पेपर वाइट अभी नहीं जाएगी बोल रहे हैं। फाइनली टिकट ले ली है, कोई बात नहीं चलते हैं, इसके भी 10-15 मिनट मज़े ले लेते हैं। ये भाई साहब तो यहाँ पे फैमिली बैठी हुई है, चलते हैं। और अपन को मिली है फ्रंट सीट और सामने मेरे स्टीयरिंग, मैं चलाऊंगा। यहाँ से होगी ड्राइविंग, भैया जी चला रहे हैं। और जो वाइट वाली बोट एक्चुअली ये ख़राब है इसलिए अभी ये बंद है। और यहाँ से लेक देखिए आप, काफ़ी सुंदर। चलिए थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शूट करते हैं। तो 125 एकड़ सिर्फ ये जो इतना पानी आप देख रहे हैं लेक, 125 एकड़ में और 30 फीट गहरा है नीचे, काफ़ी अमेजिंग। और काफ़ी देर बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये पानी पूरा बारिश का है, पूरा बारिश का पानी इन्होंने स्टोर करके रखा है, अमेजिंग। और सामने फ्रंट में हूँ एकदम, काफ़ी ठंडा हवा आ रहा है। बस कितने मिनट की राइड रहेगी ये? 10-12 मिनट की राउंड रहती है, एक राउंड की रहती है। ओके, सो 10-12 मिनट का राउंड रहेगा और सिर्फ सिंगल राउंड देते हैं। सही है, नॉट बैड। 100 रुपये में इतना कुछ खास चार्जेस नहीं है मोटर बोट के लिए, नॉर्मल बोट होती तो शायद 100 रुपये ज़्यादा होते। तो मोटर बोट है थोड़ा रिस्क तो हो गई, तो वैसे इनके पास लाइफ जैकेट्स वगैरह अवेलेबल है, बट अभी जैसे कोरोना है तो ज़्यादा कोई पहनता नहीं है, अगर समझ रहे हैं आप। वैसे तो सैनिटाइज करके देते हैं और काफ़ी लोग मना कर देते हैं, हमने खुद नहीं पहनी। आखिरी एक्टिविटी जू में बोटिंग, तो काफ़ी मज़ा आया, सही था। 100 रुपीज़ के चार्जेस थे, ओके बढ़िया था। तो व्लॉग को गाइस अब यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं जू को, तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहें, नशे से दूर रहें, बाय बाय।